Hello students, welcome to HR classes. Now the time to do the questions of the chapter Trees Our Friends. Now read the question. Name any two parts of plant. उन्होंने पूछा है प्लांट के कोई दो पार्ट्स के नाम लिखो. आप कोई भी दो लिख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट वन आप लिख सकते हो रूट, सेकेंड वन लिख सकते हो स्टेम. स्टेम की जगह से और रूट की जगह पे आप कोई भी फ्रूट और फ्लावर भी लिख सकते हो. ठीक है, स्टेम और रूट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. दो ऐसी चीज़ें बताएं जो हमें प्लांट्स से मिलती है. द फर्स्ट वन इज मेडिसिन, द सेकेंड वन इज वुड. आप थर्ड वन भी लिख सकते हो गम या कुछ और भी लिख सकते हो. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. प्लांट्स हेल्प्स टू डैश द डर्टी एयर. इसका आंसर आएगा प्योरीफाई. आगे किन्नो, ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा आर डैश फ्रूट्स. किन्नो, ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा आर सॉर फ्रूट्स, खट्टे होते हैं. पम्पकिन डैश स्प्रेड ओवर द लैंड. देखिए पम्पकिन की होती है वाइन, मतलब कि वेल होती है. डी पार्ट है बर्मा डेक लुक्स लाइक एन. इसका आंसर आएगा अम्ब्रेला. जो बर्मा डेक होती है वो एक छतरी की तरह, अम्ब्रेला की तरह दिखती है. एप्पल प्लांट ग्रोज इन द डैश रीजन. एप्पल प्लांट्स कौन से रीजन में उगता है? कोल्ड रीजन्स. नेक्स्ट आए हमारे मैचिंग्स. देखिए बियर सेफ्रन फ्लावर्स गिव शेड विदाउट लीव्स, नेम द ट्रीज. अब कौन सा प्लांट है जो सेफ्रन फ्लावर्स, मतलब कि केसर के फ्लावर होते हैं, जो वो बियर करता है, मतलब कि उसके पास होते हैं. इसका आंसर आएगा करीर. कौन सा आएगा? करीर. स्वीट सीड इन वुडन शेल गेस द प्लांट एंटल. इसका आंसर आएगा आमंड. आमंड मतलब बादाम जो होता है वो वुडन शेल में होता है. सी अ स्टिक स्टैंड्स इन द फील्ड विच वेन च्यूड स्वीट जूस इट यील्ड्स. कौन सी स्टिक है जिसको चबाने से जूस, स्वीट जूस बाहर आता है, वो होता है शुगर केन, गन्ना. बिटर ब्रांचेस बट फ्रूट स्वीट, बिटर लीव्स नेचर टू स्वीट्स. कौन सा पेड़ है जिसका फ्रूट स्वीट होता है, ब्रांचेस बिटर होती हैं और लीव्स बिटर होते हैं पर स्वीट होता है नेचर इसका. इसका आंसर आएगा नीम. नीम का नेचर स्वीट होता है बट चीज़ें इसकी बिटर मतलब कड़वी होती हैं. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट होल्ड्स द सॉयल. देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि सॉयल को कौन होल्ड करता है, रूट्स. नेक्स्ट है हु ईट फूड ऑफ अवर क्रॉप्स. कौन है जो हमारी फूड क्रॉप्स का फूड खाता है. देखिए हमने पीछे पढ़ा भी था गाजर बूटे जो एक वीड है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट है व्हाट इज सॉइल इरोजन. अब सॉइल इरोजन क्या होता है, इसका आंसर आएगा वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल, मिट्टी की ऊपर वाली परत का हट जाना. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए. इसका आंसर आएगा टिक. नेक्स्ट है ट्रीज नीड नो केयर. ट्रीज को कोई केयर नहीं चाहिए. इसका आंसर आएगा क्रॉस, क्योंकि ट्रीज को केयर चाहिए. नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स पल्यूट अर्थ एयर एंड वाटर. पेस्टिसाइड जो होते हैं वो अर्थ एयर एंड वाटर तीनों को खराब करते हैं, पल्यूट करते हैं. इसका आंसर आएगा ट्रू. पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स जो पल्यूट करते हैं. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू.